हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ J7 प्राइम या J7 मोबाइल को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ सेटिंग में जाके कि मैं J7 प्राइम मोबाइल ले रहा हूँ, आप J7 का कोई भी मॉडल कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं J7 प्राइम हमारा मॉडल नंबर है, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर शो कर रहा है और आप यहाँ पर मॉडल नंबर भी नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी स्थिति है इस फ़ोन की, तो मैं इसे अपडेट करने वाला हूँ, कैसे अपडेट कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं, सबसे पहले अपनी सेटिंग में, मेन सेटिंग में चले जाना है, ओपन कर लेना है। तो आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट वाला दिखेगा, जैसे कि धीरे धीरे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके डिवाइस मेंटेनेंस, लॉक स्क्रीन, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो अभी सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर देख रहे हैं आप, सॉफ्टवेयर अपडेट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये वाली सेटिंग को आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर डाउनलोड अपडेट मैनुअली भी आ रहा है और डाउनलोड अपडेट ऑटोमेटिकली भी आ रहा है। और अगर आप शेड्यूल सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पर आया है, अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो रात को ये किसी भी समय का टाइम भर के आप इसमें रात को अपडेट कर सकते हैं। रात को या दिन में जो भी समय आप चूज़ कर देंगे वो समय पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो डाउनलोड अपडेट मैनुअली पर क्लिक करेंगे, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके हम चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल अपडेट के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। डाउनलोड अपडेट मैनुअली पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि हमारा मोबाइल अपडेट हो चुका है पहले या अपडेट के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, द लेटेस्ट अपडेट हैव ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड। तो हमारा जो मोबाइल है ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, ये यहाँ पर दिखा रहा है, और ये हमारा करंट वर्जन है। और सिक्योरिटी पैच लेवल में आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2022 को ये अपडेट हुआ था, जो कि काफ़ी समय हो गया है। और अभी हम इसको कैसे अपडेट करेंगे, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ़िलहाल हमें यहाँ से डाउनलोड अपडेट ऑटोमेटिकली पर क्लिक हमने किया हुआ है, तो ये हमारा अपडेट हुआ नहीं है, ड्यूरिंग द डाउनलोडिंग कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा था। और अभी हम इसको मैनुअली अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले गैलेक्सी स्टोर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसी पर हमें क्लिक करके मैनुअली अपडेट करना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे गैलेक्सी स्टोर हमने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं गैलेक्सी स्टोर अपडेट के लिए आ रहा है। यहाँ पर हमें या तो इसे अपडेट करना पड़ेगा पहले, या फिर नीचे आप देख सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट द गैलेक्सी स्टोर, इसको अपडेट करना होगा। तो हमें देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ए वर्जन ऑफ द गैलेक्सी स्टोर एंड गैलेक्सी थीम्स इज अवेलेबल, इस तरीके का ऊपर लिखा आ रहा है। और यहाँ पर हम यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली अपडेट द गैलेक्सी स्टोर, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा पहले गैलेक्सी स्टोर अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद हमारे मोबाइल में जो भी अभी तक अपडेट नहीं आया हुआ है वो ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाएगा। इफ़ पॉसिबल, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इफ़ पॉसिबल यूज वाईफाई और अपडेट, वाईफाई से भी और विदाउट वाईफाई के भी हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा गैलेक्सी स्टोर अपडेट हो रहा है। तो इसे हम यहीं से इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।